तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कटिबंध किसे कहते हैं और कटिबंध कितने हैं, साथ में हम बात करेंगे इसको याद रखने के लिए कौन सा ट्रिक लगाया जाए। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज हम आपको कटिबंध के बारे में पूरा क्लियर कर देंगे और ट्रिक भी बताएंगे कि किस तरह से कटिबंध कितना डिग्री से कितना डिग्री होता है, कौन सा कटिबंध कितना डिग्री से कितना डिग्री, ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि कटिबंध, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कटिबंध किसे कहते हैं। तो प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। इन भागों को कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध कहते हैं। तो अभी जैसा कि आपको क्लियर हो गया कि प्रत्येक गोलार्ध तो समझते होंगे, को ताप के आधार पर, मतलब कहाँ पे गर्म कहाँ पे ठंडा, तो इस तरह से इसके आधार पर कई भागों को बांटा गया है, तो इन भागों को कटिबंध कहते हैं। अब यहाँ पे सवाल खड़ा होता है कि कटिबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो हम आपको बता दें कटिबंध जो है चार प्रकार के होते हैं। आपको इसलिए हम थोड़ा सा ये बता रहे हैं ताकि आसानी से दिमाग में बैठ जाए, ताकि आपको ट्रिक समझ में आए। तो चार प्रकार का होता है। पहला कौन है? उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। दूसरा कौन है? उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। तीसरा कौन है? तीसरा है शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। और चौथा कौन है? ध्रुवीय कटिबंध, कटिबंध। अब इन चारों को हम समझ लेते हैं कि अब उष्ण कटिबंध क्या है, उपोष्ण कटिबंध क्या है, शीतोष्ण कटिबंध क्या है और ध्रुवीय कटिबंध क्या है। तो चलिए एक एक करके हम समझ लेते हैं कि सबसे पहले हम लेते हैं एक नंबर उष्ण कटिबंध, इसको हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसको समझ लेते हैं। 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण को हम उष्ण कटिबंध कहते हैं। इस भाग का मौसम सदैव गर्म रहता है, यहाँ पे जो है सब दिन गर्म रहता है, सभी दिन इस भाग का जो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है वो हमेशा गर्म होता है। इसलिए आपको उष्ण से समझ में आ गया होगा कि उष्ण कटिबंध क्या है। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उष्ण कटिबंध, इनमें से लिख देगा कि 30 डिग्री उत्तर एवं 30 डिग्री दक्षिण में कौन सा कटिबंध पाया जाता है, उसमें चारों ऑप्शन दे देगा, ठीक है। इस तरह से दे देता है कि इनमें से कौन उष्ण कटिबंध को दर्शाता है, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। बहुत बार पूछा गया है। तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि किस तरह से आपको इसे ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। अब आइए दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर है उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। इसको हम कह सकते हैं, कहते हैं, इसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन, सब ट्रॉपिकल जोन। अब सवाल है कि इसको कितना डिग्री से कितना डिग्री दर्शाया गया है। अब यहाँ 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच, अक्षांशों के बीच के भाग को उपोष्ण कटिबंध कहते हैं।
इसमें भी वही चीज़ है, देखिए यहाँ पे डिग्री से दर्शाया गया है, तो इसी डिग्री को याद रखना है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा और समझ लेते हैं। यहाँ पे जो है उपोष्ण कटिबंध में कुछ महीने ताप अधिक, कुछ महीने गर्मी और कुछ महीने ठंड ठंड रहता है। ध्यान रहे कि उपोष्ण कटिबंध, जैसे उष्ण कटिबंध में हमने कहा कि सब दिन वहाँ पे गर्म रहता है, और वहीं पे उल्टा है, उपोष्ण कटिबंध में कुछ दिन गर्म रहता है और कुछ दिन ठंडा रहता है। तो आइए अभी तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध को हम टेम्परेट जोन कहते हैं, ठीक है। अब इसको कैसे दर्शाया जाता है, ये 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच के भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, ठीक है। यहाँ ताप जो है हमेशा कम रहता है, ताप हमेशा कम रहता है। ये तो हो गया तीन शीतोष्ण कटिबंध। अब आइए चौथा नंबर देखते हैं, चौथा नंबर कौन सा कटिबंध होता है। तो चार नंबर में है ध्रुवीय कटिबंध, इसको पोलर जोन कहा जाता है, इसे पोलर जोन कहा जाता है। अब इसको किस तरह से दर्शाया गया है, इसे 66 डिग्री से 90 डिग्री 66 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य स्थित जो है उसे ध्रुवीय कटिबंध कहते हैं। यहाँ जो है ताप अत्यधिक कम रहता है। ऊपर में जैसे शीतोष्ण कटिबंध में हमने कहा कि ताप हमेशा कम होता है, लेकिन यहाँ पे जो है उससे भी अधिक कम, इसलिए ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ पे जैसे कि बर्फ जम जाता है, हिमालय कौन सा है, ध्रुवीय कटिबंध के अंतर्गत आता है, जैसे इसीलिए वहाँ पे जो है बर्फ जमा हुआ रहता है। जम्मू कश्मीर हो गया, शिमला हो गया, सब ठंडी जगह जो है जहाँ पे बर्फ जमता है वही चीज़ ध्रुवीय कटिबंध कहलाता है। अब आइए हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे उस ध्रुवीय कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध, इसको हम कैसे याद रख पाएँ। तो सबसे पहले हम ट्रिक को लिख लेते हैं। सिंपल सा ट्रिक है उपोषिद, इतना याद रखना है। इसके साथ आता है, आपको हम बता दे रहे हैं, 3469 उपोषिद 3469, इतना ही याद रखना है। अब इसको हम थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाते हैं कि किस तरह से इसको याद रख सकते हैं और किस तरह से क्या क्या चीज़ें इसके, जैसे कि यहाँ पे हम उपोषिद लिखें और 3469 लिखें तो इससे क्या होता है। सबसे पहले उपोष्ण उष्ण कटिबंध होता है, उष्ण कटिबंध याद रहे, ये 30 डिग्री, इसलिए यहाँ पे तीन लिखें, 30 डिग्री से 30 डिग्री के बीच को भाग को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, एक नंबर हो गया। दूसरा नंबर पो लिखे हैं, तो यहाँ पे ऊ हटा दिए हैं, पोर इसलिए लिखे हैं कि ऊ लिखेंगे तो डबल हो जाएगा, तो उपोष्ण कटिबंध। अब यहाँ पे क्या लिखे हैं, चार लिखे हैं, तो आपको याद रखना है पीछे वाला 3 का 30 से आगे वाला 4 का 40 डिग्री, इसी के बीच के भाग को हम उपोष्ण कटिबंध कह सकते हैं। जैसे उष्ण कटिबंध में 30 डिग्री से 30 डिग्री, उपोष्ण कटिबंध में 30 डिग्री से 40 डिग्री, ठीक है।
40 डिग्री। अब आइए अगला देख लेते हैं। अगला है 3 नंबर में शीतोष्ण, तो सी लिखे हैं यहाँ पे, देखिए सी, तो शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। अब हम इसको कैसे यहाँ पे जैसे 3, 4, 6, 9 लिखें, तो हम जैसा कि बताए थे कि 3 को इसमें लिखे हैं 30-30 डिग्री, फिर 3 को यहाँ 30 डिग्री लिखेंगे और दूसरा नंबर जो है 40 डिग्री, तो उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरा नंबर क्या है 40, तो 40 डिग्री से 6 से 66 डिग्री, याद रहे इसको 6 को 60 मत समझिएगा, ठीक है। ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध, ये इसको 40 डिग्री से 66 डिग्री के बीच के भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। अब आइए चौथा नंबर, चौथा नंबर कौन सा है, चौथा नंबर है ध्रुवीय, ध्रुवीय कटिबंध। इसको हम कैसे देखेंगे, इसको हम फिर से ये 6 लेंगे, यहाँ पे 66 डिग्री से 9 से 90 डिग्री, तो सब क्लियर हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं, इसको हटा देते हैं, उपोषिद 34-69 यही है, तो इसको हम क्या किए, उपो उष्ण कटिबंध, ये वाला उष्ण कटिबंध 3 को दो बार लिखेंगे 30 डिग्री 30 डिग्री, फिर आ गया उपोष्ण कटिबंध 30 डिग्री, पहला लेंगे 30, फिर ये दूसरा है 40, तो 40 डिग्री, फिर आ गया शीतोष्ण कटिबंध, पहला लेंगे 40 और फिर 6 का 66, ये क्लियर हो गया। अभी हो गया ध्रुवीय कटिबंध, तो पहला लेंगे 6, 66 और फिर ये 90 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी 99 लिखा गया था, ये 90 डिग्री। तो इस तरह से हम चारों कटिबंध को आसानी से उपोषिद 34-69 या फिर उपोषिद 3-4-6-9 को भी बोल सकते हैं, ये सीरियल होता है 3 फिर 3, ठीक है, फिर इधर हो गया, फिर ये हो गया, फिर 3 फिर 4 फिर 4 फिर 6 फिर 6 फिर 9, इस तरह से हम इसको दर्शाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे बताया है 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, 40 डिग्री 40 डिग्री, 66 डिग्री और 66 डिग्री से 90 डिग्री, तो ये था उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध का ट्रिक। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में कटिबंध से जो सवाल हमने उठाया था सब बता चुका हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल BD स्टडी जन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।